आई एम नीरज कुमार त्यागी। बेटा आज मैं चैप्टर 4 में, जिसका नाम आपको बताइए क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फोर को बता रहा हूँ। एक बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी है, तो इस बहाने से सभी को ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD विद द गिवन डाटा। AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC 4.5 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 55। एंगल D है ना, एंगल D को एंगल B कर लीजिए, एंगल B से क्वेश्चन हो जाएगा, एंगल D में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने रफ डायग्राम भी आपको बनाकर दिया हुआ है। अब मैं इसका फेयर स्केच आपके सामने ड्रॉ करता हूं, फेयर स्केच, ठीक है। तो फेयर स्केच को आप लोग ध्यान से देखिएगा, फेयर स्केच। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेंगे, आप स्केल से नापिएगा, आप स्केल से नाप के 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ओके, लाइन सेगमेंट आपने ले लिया, फिर ए को सेंटर मान के और कंपास से 135 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। 135 डिग्री का एंगल आपको बनाना सिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। तो देखिए, पहले आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल तो सभी को बनाना आता है, एंगल 90 डिग्री का, तो ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री का एंगल आपको मैं बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, बिकॉज ये आपका क्या है, सपोर्टिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, सपोर्टिंग एंगल को डैश डैश से आप ड्रॉ करते हैं, डैश से शो करते हैं आप, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आगे आपको इसको करने के लिए क्या करेंगे, 90 का हाफ कर लीजिए, 90 का हाफ कर लेंगे आप, ठीक है। तो 90 का हाफ आप यहां से कर लीजिए, पहले आपने इसको सेंटर माना, 90 को सेंटर माना, फिर 180, जहां का 180 बनता है, 180 आपका यहां बनता है ना, 180 आपका यहां बनता है, ये बन गया आपका 180 डिग्री आपका यहां पे आ गया, ठीक है। तो आप 135 डिग्री, तो आपने 135 को बनाने में क्या किया, 90 का हाफ, यानी 90 से आगे 45 ले लीजिए। तो इस तरह से आपका जो ये एंगल आ गया, ये पूरा, ये आपको कितने डिग्री का मिल गया, 135 का एंगल आपके पास में आ गया इस तरह से। इसको आप लंबा भी ले सकते हो, ठीक है, लंबा भी ले सकते हो बेटा आप इसको इस तरह से करके, ठीक है। और इसमें कोई भी आप इसका नाम भी लेना पड़ेगा, आपने एक्स ले लिया इसका नाम, ठीक है। इसके बाद में फिर आप एंगल फाइव को ध्यान से देखो, एंगल फाइव में जो एंगल है 15 का मल्टीपल नहीं है, 55 है, तो इसको आप सिंपली किससे खींच लेंगे, डी से खींच सकते हैं, किससे खींच सकते हैं, डी से, डी भी है मेरे पास, तो देखिए डी निकाल लीजिए, डी से आप निशान लगाना पड़ेगा आपको, बी को सेंटर मान लो, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, 55 तो 50 से आगे 5 ले लेंगे आप, ठीक है बेटा, इसको लेके निशान ला लें, मार्किंग कर लेंगे आप, जहां आपका 55 आया है, और आप क्या कर लेंगे, एक रे डाल देंगे स्केल से, ये डाल दिया आपने रे, और इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका रे, कौन सा हो गया, BY रे हो गया बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे एंगल ए को सेंटर मान के आपको 3.5 सेंटीमीटर का 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लीजिए। सपोज 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर आपने ले लिया, सपोज करिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, डी, कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद फिर बी वाई को कितना काटेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके, रेडियस मीन्स डिस्टेंस। तो देखो आप लेने, जब आप इसको लेंगे तो ये आपका 3.5 से ज्यादा होगा, आप स्केल से नाप लीजिए, स्केल से नाप लेंगे तो ये 3.5 से कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। आपको तो नाप के करना है, मेजर करके करना है, तो पॉइंट क्या हो गया ये आपका,
4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा क्या करेंगे आप, पॉइंट सी और डी को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपने लाइन से सी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस तरह से आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। 10 ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल और एंगल बी में आप क्या लिख देंगे, कितने मेजरमेंट का है, 55। सिर्फ मत मत बस फिर दूसरा लेंगे।